मुझे भरोसा है सरकार पे? नहीं भरोसा नहीं मुझे बिल्कुल भी। चोर है, चोर एक नंबर चोर। बड़ा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी। हाँ। सोच कह रहा हूँ मैं, 18 घंटे काम करते देश की सेवा के लिए। मोदी जी आराम से सुकून कर रहे हैं। कौन सा कहो मोदी जी से अपने चाय में चाय वही बात है। वो एक घंटा काम करता है ना, 23 घंटा सोता है वो। 23 घंटे सोते, 1 घंटे काम करते। हाँ 1 घंटा काम करता है बस। आप बोले आप घर देंगे, आपको वो देंगे, फायदा दूंगे, क्या दिया क्या दिया बताओ मुझे। किए हुए रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए काम नहीं है। हम लोग तो अनपढ़। चलो भैया आप बताओ। मैम इसलिए बोल रहा हूँ आपको लिए, जितना उन्होंने बोला था सिलेंडर मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा आपको, मतलब गरीब कॉलोनी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, पक्के घर मिलेंगे, नल और जल मिलेगा, सबको मिलेगा। क्या मिला है? कुछ मिला है? सब अफवाह है। अच्छा, सब सारी अफवाह है, सारे वादे जो झूठे निकले सब झूठे है। रियल में मैडम उन्होंने बनाया है, नहीं उन्होंने बनाया है, कहीं बनाया हुआ उन्होंने, अंत बनाया हुआ, पर हमारी कुछ सुविधा नहीं मिली। ठीक है ना, हम तो याद है मन से ना, तो आज बोलते हैं आंसर झूठ बोलते हैं ना भैया। बड़ी बड़ी योजनाएं जो गिनवा दी जाती है कि हाँ। पक्का घर दे देंगे, हाँ, सिलेंडर दिया, सरकार बड़ा दावा हाँ, करती क्या है। क्या मिला है, क्या मिला गरीब को बताइए मुझे। गरीब लोग है? कुछ भी नहीं मिला। सब्सिडी मिल रही, क्या मिल रही है, कहीं मिला किसी बताइए मुझे, क्या मिला बताओ। महिलाओं को सिलेंडर दे दिया है, क्या मिल दिया, लिख दिया ये लोग फ्री मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, अब आज कल क्या है, 1,91 सिलेंडर है, क्या मिल रहा है बताओ मुझे। भरोसा है सरकार पे? नहीं भरोसा नहीं मुझे बिल्कुल भी। चोर है, चोर एक नंबर चोर। बड़ा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी। हाँ। सोच कह रहा हूँ मैं, क्यों लग रहा है सरकार चोर है? क्या सोचता मिली बताओ मुझे। आम जनता 8 साल की बात करें तो क्या काम दिखा आपको? कोई सुविधा मिली नहीं मुझे भैया। हम तो भाई दुखी दुखी रोड पे घूम रहे हैं, टम्पू चला टम्पू उसमें घूम रहे हैं। रोड बढ़िया कर दिया, एकदम मक्खन जैसा मलाई जैसा रोड हो गया। अच्छा रोड खाने देगा? रोड खाने को देगा आप मुझे बताओ। एक मिनट रुको, चलो आप दिखाऊं तुम्हें, रोड बढ़िया है? नहीं मैं दिखाऊं रोड बढ़िया है? ये वाला वादा भी झूठा। ये मकान बना मेरा मकान दिखाऊं रोड, क्या रोड बढ़िया बनाए? जो मेरे कॉलोनी में मकान मैं लिया है, मैं बनवाया नहीं अभी। ठीक है ना, वो है बड़ा कच्चा, क्या है सुविधा कोई है ही नहीं। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं भैया, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। साहब मोदी पर गरीब बना रहे होंगे अपने लिए, गरीब नहीं बना रहे किसी लिए, गरीबों के लिए काम नहीं किया जा रहा सरकार बिल्कुल। बाकी और क्या समस्याएं आप जो इस वक्त देख रहे हैं? हम ये कह रहे हैं मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है, पर उन्हें इतना अच्छा काम नहीं करा नहीं। अच्छा मतलब ज्यादा दिखाया जा रहा है और कम किया काम बिल्कुल रियल में, ये सच्चाई है सरकार। हाँ। मैडम एक बात कहिए मुझे जी सर, कि आज की बताइए इस मोदी और योगी के राज्य से छोड़ के किसी राज्य में कोई चीज गिरवी रखी गई? मजबूत बना दिया देश हमने। मजबूत कहाँ से मजबूत मुझे बताइए आप, खोखला साहब कहाँ से मजबूत बना दिया आप मुझे बताओ। भैया तो दुश्मन भी कांपता है, अपराधी भी थर थर कांप जाते हैं। नहीं ये बात जायज है, ये बात मानते हैं हम कि मोदी ने योगी ने ये काम किया है कि हाँ कि गुंडागर्दी कम है, ये बात मानता हूँ मैं, पर ये बताइए मुझे कि कहाँ पे मतलब कि अत्याचार कम है, ये बताओ मुझे कि अभी भी चल नहीं रहा है। सरकार तो भैया कर रही है ना गुणगान अपना, अपराधी डरने लगे, अपराधी बात कायदे की है, राज खत्म कर ये खत्म है, ये बात जायज है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मतलब जनता के लिए क्या काम हुआ, महंगाई बेरोजगारी, महंगाई तो बढ़ी रही है, दुखी है। हाँ। जनता आलू है? आलू क्या रहते पहले 10 रुपए किलो, 30 रुपए आलू है, सरसों तेल क्या महंगे, सरसों तेल कितना 80-90 था। कुछ लोग कह देते हैं कि महंगाई है तो क्या है, 160 रुपए तेल है। आप ही में से कुछ लोग कह देते हैं कि और महंगाई झेल लेंगे बीजेपी के नाम मोदी जी के लिए। हमने कहा कौन कहता है, जो कहते हो गलत है, जनता कहती है, वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ जनता कौन कहती है, कब्बा मुझे कब्बा ना, जो जनता कहती है मुझे कब्बा ना, पूछो कैसे मेहनत करते हैं, 8 घंटे मेहनत करते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं देश की सेवा के लिए। मोदी जी आराम से सुकून कर रहे हैं, कौन सा कहो मोदी जी से अपने चाय में चाय वही बात है। एक घंटा काम करता है ना, 1 घंटा सोता है वो, 1 घंटा काम करता है ना, 23 घंटा सोता है वो, 23 घंटे सोते 1 घंटे काम करते। हाँ 1 घंटा काम करता है बस वो, बस ये सोचो कि काम इस यूपी में कहाँ काम रह गया, खाली महंगाई बढ़ाई, कहाँ काम है, जो बेचकर रोज घूम रहे हैं आज हमारे गरीब लोग, आज के अखिलेश की याद है
सुनो घर की बात कहते हैं तो भैया क्या देते हैं? आप मेरी बात सुनो, ना तो मैं यादव हूँ ना मैं और भारती हूँ, मैं पंडित आदमी हूँ, ठीक है। अमर चतुर्वेदी नाम है, फरकावा का रहने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं पंडित आदमी हूँ, मैं कोई गलवा नहीं। जो अखिलेश के राज में जो काम था, योगी राज में या मोदी राज में कहाँ काम रह गया मुझे ये बताइए आप। मैं कंपनी में काम नहीं, डबल इंजन सरकार में काम काज नहीं बचा, कुछ नहीं है, काम एक पल भी नहीं है। सब बेरोजगार को घूमते हैं, जो 24 घंटा जो 24 घंटा काम चलता था ना, 24 घंटा आज 8 घंटे काम चल रहा है, समझ गए? क्या काम से खुश है सरकार खुश मैम? सारे के सारे काम ना होने के कारण आपके पास है, काम ना होने के कारण आपके पास है मैम। ये काम काज इनके पास होता था कंपनी में होते, अभी भी बेरोजगारी की वजह यहाँ आएंगे। जो युवा घूम रहे हैं उनके पास योग्यता नहीं है, हुनर नहीं है। ग्रेजुएशन रोड पे घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले लोग जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है रोड पे घूम रहे हैं, लिखा पढ़े हुए जो है बीए एमए किए हुए रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए काम नहीं है। हम लोग तो अनपढ़ करो, चाय बेच के पीएम बन जाओ। मैम कह रहे गुजरात में आ रहे हैं, फिर से 24 में आ रहे हैं, दुखी बोला मैं दुखी, बच्चे रोड में बैठे छोटे बच्चे मेरे, बच्चे छोटे दुखी क्यों? आप बोले आप घर देंगे, आपको वो देंगे, फ्रांस दूंगे, क्या दिया, क्या दिया बताओ मुझे? राशन बांट रहे, क्या दिया? राशन बांट रहे, राशन बांट रहे, राशन नाम है चोरी, नाम है चोरी, नाम है सारे बोलने देते हैं लोग। एक सवाल कर लेते हैं, नाराजगी जाहिर कर दी, हमने सुन लिया आपकी बात, मान लिया नाराजगी, मुद्दों पे बात करते हैं। दावा कर रहे हैं कि रोड बन गए, आज मक्खन जैसे रोड है, घर भी हो गया, चल भी हो गया। सुनो चलो मेरा प्लॉट है, तुम दिखाऊंगा आपको, आओ मेरा प्लॉट है यहाँ पर। आज से नेता की पीड़ा का एहसास हो जाता है, एक्चुअली 2000 की पीड़ा का एहसास हो जाता है पीएम मोदी को। ओनली 2007 में प्लॉट लिया मैंने, आज प्लॉट मेरा, प्लॉट मेरा बड़ा खाली, मैं दिखा रहा हूँ आपको, चल देख लो। एक्चुअली क्यों आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? आम पार्टी क्या देख रहे हैं? केजरीवाल भी घूम रहे हैं, केजरीवाल बढ़िया इंसान है, केजरीवाल का एक नंबर का इंसान है। आप पंजाब में अंदर रुक जा, पंजाब में लुधियाना अंदर के खड़े हुए, सेवा करेंगे, सेवा क्या सेवा हो रही है? बिजली फ्री है, फ्लैट फ्री है, क्या फ्री है पंजाब के अंदर? कह रहे कोई रोक भी नहीं पाएगा, दूंगा मैं तो। वो बकवास है, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उनका एक एमएलए वहाँ है। गुजरात की बात कर ले, क्या लग रहा है गुजरात में कौन जीत पाएगा? गुजरात में इसके मैडम मुझे पता नहीं। अच्छा यूपी का जानते हैं।